अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, क्या हाल हैं, कैसे हैं सब। उम्मीद करता हूँ सब खैर खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे। अच्छा जी, 34 से 37 सब्सक्राइबर हो गए माशाल्लाह से। सब्सक्राइबर बढ़ रहे हैं, स्लो स्लो बढ़ रहे हैं लेकिन बढ़ रहे हैं। और मुझे फ़ोन पे भी कांटेक्ट किया था लोगों ने और सॉफ्टवेयर के बारे में पूछ रहे थे, तो मैंने उनको ही रेफ़र किया, लिंक प्रोवाइड किया और अपना क्या कहते हैं इंस्ट्रक्शन प्रोवाइड की। लोगों में इंटरेस्ट आ रहा है, देख रहा हूँ मैं, आहिस्ता आहिस्ता बढ़ रहा है माशाल्लाह। देखें, हम सर 37 सब्सक्राइबर हो गए और मेरा टारगेट है तकरीबन 100 प्लस हो जाएं। चले 100 प्लस हो जाते हैं ना, तो फिर हम क्लासेस स्टार्ट कर देंगे। अभी तक मैंने क्लासेस स्टार्ट नहीं की, ठीक है। जो बेसिक से क्लासेस स्टार्ट करनी है मैंने, वो मैं करूँगा 100 प्लस सब्सक्राइबर के बाद, ठीक। लास्ट लोगों मैंने एडिडास का बनाया था, आप उस पर व्यूज़ भी अच्छे आए, 22 व्यूज़ हैं। फिर उसका नाइक बनाया था, 29 व्यूज़ हैं। यूट्यूब बनाया था तो उस पर 24 व्यूज़ हैं, ठीक है। आहिस्ता आहिस्ता अब अपग्रेड कर रहा है चैनल। तो आज मैं आप लोगों के लिए थोड़ा सा बड़ा लोगो लेकर आया जो हम बनाएंगे, जिसका तो कोई ताल्लुक नहीं हमारी क्लासेस से। जस्ट मैं आपको वेक्टर कन्वर्ट करके दिखा रहा हूँ एम्ब्रॉयडरी में हम कैसे कन्वर्ट करते हैं। तो चलें स्टार्ट करते हैं। ये लोगो था, ये गोरिल्ला फेस है, एक काफ़ी बड़ा लोगो है, काफ़ी बड़ा नहीं है, 8 इंचज हाइट है इसकी, तो ये जैकेट बैग में शुमार होता है। अभी तक हम लोग जो बना रहे थे वो लेफ्ट चेस्ट और कैप के हिसाब से बना रहे थे, तो ये जैकेट बैग में काउंट होता है। अच्छा, एक चीज़ मैं और आप लोगों को बता दूं कि ये लोगो हम दो पार्ट में बनाएंगे, दो वीडियोस में बनाएंगे, हाफ अभी बनाएंगे और हाफ हम दूसरी वीडियो में मैं इसको कम्प्लीट करूँगा, ठीक है जी। मसला होता है थोड़ा सा, टाइमिंग का इशू भी होता है, मुझे बैठना पड़ता है टाइम निकाल के, तो मुश्किल होता है थोड़ा सा, लेकिन आप लोगों के लिए मैं टाइम निकाल रहा हूँ और निकालता रहूँगा इंशाल्लाह, लोगों इस तरह लाता रहूँगा, ठीक है। तो गोरिल्ला फेस है हमारे पास, सबसे ऊपर देखेंगे हम कोई भी फेस बनाते हैं या कोई भी लोगो हम स्टार्ट करते हैं, तो हम ये चीज़ नोटिस करते हैं कि सबसे ऊपर क्या चीज़ बन रही है, ठीक है, पहले हम वो बनाते हैं। तो मैंने कलर्स इसके पहले से बना के रखे हैं, और कलर्स बनाना मैं आपको सिखा दूँगा जब मैं क्लास स्टार्ट करूँगा, उसमें मैं आपको कलर्स बनाना भी सिखाऊँगा इंशाल्लाह ताला। तो फिलहाल मैंने टाइम बचाने के लिए कलर्स बना लिए हैं इसके, और सबसे ऊपर जो चीज़ मुझे दिख रही है इसकी ज़बान दिख रही है, ठीक है, रेड कलर में है, तो कलर मैंने बनाए हैं। सबसे पहले हम इसकी ज़बान बना लेते हैं, कॉम्प्लेक्स फिल से बन रही है ज़बान। कॉम्प्लेक्स फिल क्या होता है क्लासेस में समझाऊँगा, और जो लोग थोड़ा बहुत काम जानते हैं और जो ज़्यादा भी काम जानते हैं उनके समझ में आ रहा होगा, बिल्कुल न्यू कमर्स जो होंगे उनके समझ में ना आए, और वो अगर सीखना चाहते हैं तो सब्सक्राइबर बढ़वाएं प्लीज़, खुद भी सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों से भी सब्सक्राइब करवाएं चैनल को। मेरा वादा है 100 प्लस जैसे ही सब्सक्राइबर हो जाते हैं हम क्लासेस स्टार्ट कर देंगे इंशाल्लाह ताला, ठीक। ये बात मंगी इसकी, वैल्यूज डाल रहा हूँ, अंडरली डाल रहा हूँ इसकी, ठीक है। जो चीज़ बनाते हैं बनाने के बाद बैक कर देते हैं उसको, अनस्विंग कर देते हैं। अब ये क्या होता है मैं आपको क्लासेस में समझाऊंगा, ठीक है। अब इसके टीथ ले लेते हैं, वाइट पार्ट। अच्छा, हम बनाते हैं ना कोशिश करते हैं कि एक कलर एक बार में हम बना लें सारा, तो उसके अंदर कलर है 1 2 3 4 5 6 कलर, जी 6 कलर बने में। तो वन कलर ज़बान जो थी रेड कलर में थी वो हमने पहले बना ली, उसके बाद जितने वाइट पार्ट्स हैं वो बना लेते हैं। आई का पार्ट वाइट में था, बन गया। टीथ सारे इसके वाइट हैं, इनपुट ए से बना रहा हूँ, एच से रीशेप कर लेते हैं। रीशेप से मुराद अगर कोई चीज़ आपकी परफेक्ट ना बन सके उसको आप दोबारा से रीशेप कर सकते हैं, कोई सेक्टर आपका जो है वो गलत जगह लग जाए तो आप उसको सही कर सकते हैं। रीशेप टूल आता है एच से। उम्मीद करता हूँ कि मेरी ये वीडियोस भी हेल्प कर रही होंगी जो थोड़ा बहुत वेलकम एम्ब्रॉयडरी स्टूडियो जानते होंगे, तो बस मेहनत कर रहे हैं जनाब और क्लासेस देना चाह रहा हूँ।
जल्द से जल्द क्लासेस स्टार्ट करना चाह रहा हूँ, बस सब्सक्राइबर का वेट है। थोड़े सब्सक्राइबर्स बढ़ जाएं, 100+ 100+ हो जाएं, चले तो क्लासेस स्टार्ट करेंगे इंशाल्लाह ताला। जिन लोगों को सॉफ्टवेयर चाहिए, E2 सॉफ्टवेयर हम प्रोवाइड कर रहे हैं, तो जिन लोगों को सॉफ्टवेयर चाहिए उसकी बाकायदा एक वीडियो बनी हुई है। E2 सॉफ्टवेयर आप माजिद अली से हासिल कर सकते हैं, माजिद अली से ना करना चाहें उससे भी ले सकते हैं, क्यों नहीं करना चाहेंगे, दरअसल सॉफ्टवेयर है ही उनका, मेरे फ्रेंड हैं वो, और उसकी इंस्टॉलेशन वो प्रॉपर तरीके से जानते हैं। मैं जस्ट आपको लिंक प्रोवाइड कर दूंगा, इंस्ट्रक्शन दे दूंगा, लेकिन मे भी बहुत सारे जगह इश्यूज आए जाते हैं इंस्टॉलेशन में, तो वो आपको प्रॉपर गाइड करेंगे माजिद अली। ठीक है जनाब, तो अभी इसका वाइट पार्ट बन रहा है, सारे वाइट पार्ट में बना रहा हूँ एक बार में, ताकि मशीन कलर चेंज ना ले। ऐसा नहीं करना कि एक ब्लू पार्ट बना दिया, फिर एक वाइट पार्ट, फिर एक ब्लू पार्ट, फिर एक वाइट पार्ट, इस तरह करेंगे मशीन कलर चेंज बहुत ज़्यादा ले लेगी, उसमें टाइम वेस्ट होगा प्रोडक्शन में। ठीक है, तो हम यही करते हैं, हम एक कलर को एक साथ बना लेते हैं। कई जगह में मजबूरन हमें कलर चेंज देना भी पड़ता है, ऐसी बात नहीं कि हर लोग उस तरह बनता है, कई जगह पर हमें कलर चेंज मजबूरन देना पड़ता है, ऐसे ब्लू वाइट देन फिर ब्लू देन फिर वाइट करना पड़ता है, मजबूरी होती है। लेकिन जहाँ नहीं है वहाँ कोशिश हम करेंगे क्लाइंट को आसानी से आसानी मुहैया करें, जो चला रहा हो, मशीन चला रहा हो उसके लिए आसानी हो, एक मरतबा में एक कलर चल जाए। ठीक है जी, वाइट कलर हमने ऑलमोस्ट नहीं सारा बन गया हमारा, सब में वैल्यू डाल रहा हूँ मैं, स्पेसिंग डाल रहा हूँ, स्पेसिंग कैसे डालते हैं, किस तरह डालते हैं, क्या इसकी कैलकुलेशन क्या होती है, किस हिसाब से डालते हैं, वो मैं आपको इंशाल्लाह क्लासेस में बताऊंगा। अच्छा जी, दो कलर हो गए, रेड और वाइट, और हम थर्ड कलर बनाने लगे हैं इसका लाइट ब्लू। जो चीज़ ऊपर दिख रही होगी वो सबसे पहले बनेगी, उसके बाद जो चीज़ ऊपर बन रही होगी उसके बाद वो बनेगी, उसके बाद जो चीज़ ऊपर दिख रही होगी वो बनेगी, इस तरह बनाते हैं कोई भी लोग। ये मेथड यूज करेंगे आप लोग, बहुत आसानी रहेगी आपके लिए। लाइट ब्लू पार्ट में सारा बना लेता हूं, वीडियो फास्ट फॉरवर्ड करके भी मैं इसको एक वीडियो में बना सकता था, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं है, जब किसी के समझ में ही नहीं आनी वीडियो में हो क्या रहा है, तो फिर क्या फ़ायदा। तो मैंने फिर डिसाइड किया कि चले बड़ा लोगो है ना, हम इसको दो पार्ट में बना लेंगे, लेकिन फास्ट फॉरवर्ड नहीं करेंगे, ताकि सब देख सकें कि मैं कर क्या रहा हूँ। सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, मैं सब्सक्राइबर ढूंढ रहा हूँ, चाह रहा हूँ कि सब्सक्राइब वो चैनल 100+ हो जाए सब्सक्राइबर, तो इंशाल्लाह ताला क्लासेस स्टार्ट करेंगे। क्लासेस मैं बिल्कुल स्क्रैच से सिखाऊंगा, बेसिक से सिखाऊंगा, A to Z आपको पहले फॉन्ट बताया जाएगा, उसके बाद आर्टवर्क, जैसे ये आर्टवर्क है आप देख सकते हैं, फिर ऐसे आर्टवर्क पर काम करवाऊँगा इंशाल्लाह ताला। अच्छी अपॉर्चुनिटी है, आप घर बैठे काम कर सकते हैं, इससे घर बैठे काफ़ी अच्छी अर्निंग कर सकते हैं। फ्रीलांसिंग का दौर चल रहा है, जॉब्स नहीं है पाकिस्तान में, आप सबको पता है अच्छी तरीके से, और बहुत से लोगों की मजबूरी होती है, फीमेल्स हो गई, लड़कियां हो गई जो घर से नहीं निकलना चाहती, बहुत से लड़के ऐसे हैं जो बहुत टैलेंटेड हैं, जो स्किल सीखना चाहते हैं, लेकिन अगर आप एजुकेशन की बात करें, स्किल्स की बात करें, तो अगर किसी सेंटर वगैरह को ज्वाइन करते हैं, किसी इदारे को ज्वाइन करते हैं, तो काफ़ी कॉस्टली पड़ जाता है उनको, और एक्सपोर्ट एम्ब्रॉयडरी डिजिटाइजिंग जो है वैसे भी बहुत कम लोग हैं जो उसको
सिखाने वाले हैं। तो मैंने इरादा किया, मैं तकरीबन 10 साल से ऊपर हो गया मुझे ये काम करते हुए, तो बस मेरे जहन में आई थी ये बात कि क्यों ना मैं अपना ये फ़न लोगों तक फ्री ऑफ कॉस्ट पहुँचाऊँ, तो मैं तो कर रहा हूँ। नहीं, ये गलत बना है, मैं ये करना चाह रहा हूँ कि लोग सीखें, सीख के अर्निंग करें, मुझे दुआएं भी दें। तो उसके लिए सब्सक्राइबर चाहिए मुझे ज़्यादा, 100+ हो जाएं तो इंशाल्लाह ताला क्लासेस का स्टार्ट मैं कर दूंगा। ऑलरेडी मेरे स्टूडेंट हैं, ऑलरेडी मेरे कई स्टूडेंट्स हैं, माशाल्लाह आज बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, बहुत अच्छी अर्निंग कर रहे हैं। ठीक है जी, बस देखिएगा कोई पार्ट मिस ना हो। ये पिक्चर मैंने गूगल से उठाई है, तो आप अगर प्रैक्टिस करना चाहें तो ये गूगल पे अवेलेबल है। गोरिल्ला फेस लिख के अगर आप गोरिल्ला वेक्टर लिख लें या गोरिल्ला फेस लिख लें तो आपको इजीली मिल जाएगी। प्रैक्टिस कोई करना चाहे, अगर किसी के समझ में आ रहा हो तो वो कर सकता है गूगल से उठा के। बाकी मैं जो क्लासेस दूंगा उसमें जो मैं इमेजेस यूज़ करूंगा वो मैं आप लोगों को प्रोवाइड कर दिया करूंगा। इस साइज को हम जैकेट बैग कहते हैं, 8 इंचेस पे बन रहा है ये, तो जैकेट बैग में काउंट होता है। लेफ्ट चेस्ट जो होता है वो मैक्सिमम 4.5 या 5 बाइट तक ले जाते हैं, हम कैप को भी 5 बाइट तक या 4.5 बाइट तक रख लेते हैं। हाइट हमारी कैप की जो है वो 2.5 से ज़्यादा नहीं देते। सब बताऊंगा आपको मैं इंशाल्लाह ताला। ठीक है जी, अच्छा जी, 3 कलर हमने बनाए, रेड कलर बना लिया, व्हाइट कलर बना लिया और लाइट ब्लू कलर बना लिया। उसके बाद एक ब्लू और है, देन एक ब्लू और है, 2 शेड है मैंने बनाए हुए सारे कलर। ये देख सकते हैं आप, ये ब्लू ये वाला है और ये ब्लू जो है ये वाला कलर है। ठीक है, माउस से दिखा दूंगा। ये ब्लू जो है ये कलर है और ये वाला ब्लू जो है ये थोड़ा सा डार्कर है, ये वाला शेड ही है। ठीक है, 2 कलर रह गए। वीडियो ऑलरेडी 12-13 मिनट की हो गई है, तो अभी इसको यहीं स्टॉप करेंगे हम। ठीक है, मैं आपको ऐसे दिखा दूँ कि क्या बनाया है। ये बनाया है जीवान, इसके आइज़ बनाई हैं, टीथ बनाए हैं और जो लाइट ब्लू कलर था सबसे ज़्यादा वो शेड हमने कम्प्लीट कर लिए हैं। ठीक है जी, तो यहाँ वीडियो को स्टॉप करेंगे अभी और इसका नेक्स्ट पार्ट, इसको मैं 2 पार्टीशन में, मैं 2 पोर्शन में, मैं इसको शेयर करने वाला हूँ। एक पार्ट ये होगा और एक पार्ट दूसरा बनाएंगे जिसके अंदर हम ब्लू का शेड डार्कर और उससे डार्कर ब्लू का शेड, देन ब्लैक फिल जो पीछे पूरा आ रहा है वो बनाएंगे, इंशाल्लाह कंप्लीट करेंगे। ठीक है, अभी तक के लिए इतना ही, इजाज़त चाहूँगा, अल्लाह हाफिज़।